परमात्मा ने प्रय न क्लेश नाचाए गोविंदाए नमो नमः गोविंदाए नमो नमः वसुदेवसुतम देवम कंसानूर्मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगत गुरु श्री कृष्णा शरणम अभाग्यशाली कल्याण कामनी गीता अनुयायी मेरी देवियों, गीता के पैरोकार कल्याणकामी मेरे सज्जनों, कर लीजिए अपने मन को एकाग्र। बहुत ही कल्याणकारी विषयों पर हम लोग विचार विमर्श कर रहे गए। ये सब प्रभु की विशेष कृपा का परिणाम है कि हमारा मन भगवान तक जिनकी भली प्रकार रसाई हो चुकी थी, उनके अंतःकरण कैसे बन गए थे कि उनका कल्याण हो गया, यही लगन हमारे मनों में भगवान ने लगाई है। हम अपने अंतःकरण को, शरीर को नहीं, केवल अंतःकरण अर्थात मन और बुद्धि को किन विशेषताओं से भर लें कि हम भी कल्याण के अधिकारी बन जाए। मेरी देवियां कल्याण के योग्या एवं अधिकारिणी बन जाए, ये संभव कैसे हो? बहुत चोटी के प्रश्नों में से ये एक प्रश्न परमार्थ में माना जाता है, बल्कि इसी क्रांतिकारी प्रश्न कहते हैं, इनकलाबी प्रश्न, जो अंदर में फौरन परिवर्तन ले आए। इंसान जीरो से हीरो अवस्था में आ जाता है। कहां जीरो, कहां हीरो, कहां कख और कहां लख, कहां कंकर और कहां शंकर, बड़ी चोटी की अवस्था। कहां आंतरिक रूप में विश्व विश्व समा जाता है और कहां अमृत ही अमृत। भगवान की कृपा हो जाए तो डाकू भी यहां महात्मा बन जाती हैं, वेश्याएं भी यहां भक्तिमती बनकर भगवान को खींच लेती हैं। हमारे पुराण इसके साक्षी हैं, भागवत पुराण इसका साक्षी है, आपके अपने अनुभव भी इसके साक्षी हैं। अनेक नास्तिक आस्तिक बन गए। जब कोई विशेष चोट लगी तो चूंकि आप हम सब कल्याणकामी हैं और भगवान जी अपने श्रीमुख से भक्तों के अंतःकरण का विवरण दे रहे हैं, ये तो हमारे अहोभाग्य, कोई संत महात्मा नहीं दे रहे, शायद वो पूरा न बता पाते, या तो हमारे भगवान जी जो हरेक के अंतर्यामी हैं, जो सर्वज्ञाता है, सर्व समर्थ है। अनेक गुणों में ये दो गुण तो अपनी साधना के दिनों में जरूर याद रखना, हमारे इष्टदेव सर्व समर्थ, सर्व ज्ञाता, सबको जाने वाले और जो चाहे कर दिखाएं, इसे बोलते हैं सर्व समर्थ। और वो कहां है, सर्वव्यापी तो है ही, पर हमारे सबके अंतर्यामी है। ऐसे भक्तों के अंतर्यामी, उनके हृदय में रहने वाले, उनके गुणों का वर्णन करें। और हम इस समय के कल्याणकामी जीव उनके श्रीमुख से गुणों का वर्णन सुने, अहोभाग्य अहोभाग्य। मुझे पूरी आशा है कि भगवान जी द्वारा सुने जा रहे इन दिव्य गुणों का हमारे पर विशेष प्रभाव पड़ रहा है, पड़ता रहेगा और जाया नहीं जाएगा। भगवान जी का ये फरमान जिन्होंने विशेष हमारे कल्याण के लिए इन दिनों जारी किया है, भगवान हमें शक्ति प्रदान करें।
ये जो अंतःकरण में गुणों की विशेषताएं लाई जा रही हैं, ये स्थाई सिद्ध हो अस्थाई नहीं। तो महाराज जी ने पिछले दिनों जो कहा, कुछ हमें आश्चर्य जरूर हुआ, और मैंने तो अभी अभी अपने इष्ट देव को सर्वसमर्थ कहा है, जैसा वो है वो सब कर दिखाएंगे। क्या सम दुख सुखा, दुख सुख में बराबर। एक तो संसारी आदमियों ने दुख की परिभाषा कुछ अपने ढंग से की है, सुख की परिभाषा भी अपने तरीके से की है। अब आपका दृष्टिकोण ही बदल गया है मेरी देवियों मेरे सज्जनों, और इंसान दृष्टिकोण ही तो है, एक ही संसार है, लेकिन हर एक अपने अपने दृष्टिकोण से संसार को देखता है। कोई कंचन के रूप से देख रहा है, कोई कामनी के रूप से देख रहा है, कोई बड़ी मान बड़ियाई रुतबों पदवी के रूप में जहान को देखता है। जहान तो एक ही है, लेकिन आगे देखने का नजरिया अपना अपना। एक ही घर में है, आप किसी औरत को बहन रूप में देख रही हैं, किसी को मां रूप में देख रही हैं, एक ही घर के अंदर है नारी, लेकिन ये मेरी बहन है, कितना अंतर आ जाता है आपके भावों में। ये मेरी मां है, आपका सिर झुक जाता है मां जी के श्री चरणों में, ये मेरी पत्नी है, कैसे अलग अलग भाव बन जाते हैं अंतःकरण में। इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रकार का हम भाव रखेंगे अपने अपने में, उसी प्रकार की सृष्टि हमें दिखाई देने देगी। इसलिए ऋषियों ने अनुभव करके हम सबके कल्याणार्थ ये सिद्धांत प्रकट कर दिया, क्या जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि कभी न भूलना। हम जहान को सुधारने नहीं जा रहे, हम गली मोहल्ले वालों का ठेका नहीं ले रखा कि हमको उनका सुधार करें, और ना ही भगवान जी हमें कहते हैं कि उनका सुधार करो, ना, हमें इसी बात पर जोर दिया जा रहा है अपना सुधार करो, अपना सुधार करो, अपना सुधार करो। हम अड़ोसन पड़ोसन को नहीं कह रहे तेरी धोती मैली, तेरे कपड़े मैले, तेरा सिर मेला, नहीं, हम अपने मैल को छुड़ाने जा रहे हैं। तो उसने आंखें नहीं बंद कर रखी, सारे गंधारी नहीं बन जाएंगे, आंखें खुली हैं, आपके सुंदर उज्जवल कपड़ों को देखकर अपनी तरफ ही नजर मारेगी, मेरे कपड़ों पर मक्खियां भिनभिन आ रही हैं, और उधर इतने सुंदर कपड़े खुद धोने में लग जाएगी। यही तरीका होता है दूसरे को सिखाने का, स्वीप बिफोर योर ओन डोर। अंग्रेजों ने हमारी सी तो ये नकल मार ली है, अपने घर के आगे बुहारी दो, पड़ोसी अपने आप ही अपनी बुहारी लेकर के अपने घर को बुहारेगा, चूंकि आगे बहुत गंद फैला हुआ है, उसको जाए कहने जाओगे तो वो शायद बहुत बुरा मनाएगा। अपने घर में बिहारी दोगे तो इनडायरेक्टली ये कहना है कि भाई तुम भी अपने घर के आगे सफाई रख लो। दूसरे को शिक्षा देने से पहले हम अपने आप को ठीक करें, हमारा ही एक्शन उस पर पढ़ के रिएक्शन होगा और अच्छा बन जाएगा। तो सुख दुख की परिभाषा हर एक की अपनी अपनी है। अब हम कौन है कल्याणकामी, क्या करना चाहती हैं, कल्याण करके रहना चाहते हैं, कल्याण करके जहान पानी से कूच करना चाहते हैं, कूच तो हर एक ने करना, पर बड़े भाग्य है उन देवियों के और सज्जनों के अच्छे जो कुछ करके जा रही है। वो स्टूडेंट अच्छी नहीं है जो तैयारी करके यूनिवर्सिटी एग्जाम में नहीं जाते, वो मेरी बेटियां बहुत अच्छी हैं जो खूब तैयारी है और चैलेंज किया उन्हें पर्चे बनाने वाले को, इस बुक में से जहां तू चाहे क्वेश्चन दे दे, हमारी पूरी तैयारी है। वाह, जहां एक पग रखना चाहिए हाल की ओर 10 पग आपके जा रहे हैं, और उधर देखिए नालायक छात्रों को, जहां एक पग आगे रखना चाहिए 4 पग उनके पीछे जा रहे हैं, कि उनकी तैयारी नहीं है। तो ये भी सच मान लेना, तैयारी गए बाखुशी कैसे जिए है, बड़ी हैरानगी की बात, संसार कैसा है द्वंद्वात्मिक, द्वंद मैंने जोड़ा, संसार कैसा है द्वंद्वात्मिक, मजबूर हूं इस शब्द को बोलने के लिए, ये शास्त्रीय शब्द है और कोई इसके मुकाबले का शब्द ही नहीं है। क्या द्वंद्वात्मिक है, जैसे दिन इसका दूसरे साथ है रात, अब ये जोड़ा बन गया दिन और रात,
भगवान सृष्टि ऐसे बनाइए, अब मत कहिए दिन बुरा है, रात को फिर क्या करना पड़ेगा आपको, मत कहिए रात अच्छी है, दिन में रोना पड़ेगा आपको। एक बात सुनना, द्वंद्वात्मिक है, मत कहिए सर्दी बहुत अच्छी होती है, गर्मी में आपको फिर रोना पड़ेगा। बर्दाश्त ही नहीं होगी अगर आपने पहले मन में रख लिया है सर्दी अच्छी होती है, गर्मी नहीं अच्छी होती, घबरा जाता आदमी, सांस लेना बड़ा मुश्किल होता है, पसीने से तर बतर हो जाती है। मत कहिए, आप कल्याणकामी नहीं और कल्याणकामी है, मत कहिए ऐसा। हमने सर्दी को अगर प्रेफरेंस या प्राथमिकता दे दी तो गर्मी क्या करोगे, गर्मी भी तो हमने भोगनी है। मत कहिए मान अच्छा होता है, मिश्री की तरह मीठा होता है, तो सारे तो आपको नहीं चाहेंगे, कई ऐसे होंगे जो आपको नहीं चाहते, जो आपका अपमान करेंगे, फिर क्या करेगी। मान के समय सीरियस हो जाओ, अपमान बड़ी खुशी से सह लोगे। सारे किसी को आज तक किसने मान नहीं दिया, दुनिया बनाने वाला कृष्ण के रूप में अवतरित हुआ, सारों ने तो उनको मान नहीं दिया, राम के रूप में प्रकट हुए, सारों ने तो उनका मान नहीं दिया है। हाँ, एक अब सामान्य की मैं बात कर रहा हूं, तो सामान्य जीवों को तो कहने ही क्या। इसलिए हमें बड़ा अच्छा ये फार्मूला दिया जा रहा है गीता के कृष्ण का, हमारे पर हम कल्याणकामी जीवन बड़ा भारी उपकार है, रजोगुणी वालों पर नहीं, वो तो इन्हीं तीनों में रह के ही मर जाएंगे, कंचन में, कामनी में, कीर्ति में, इन्हीं में गलतान होकर के अपने प्राण छोड़ देंगे। आप जैसे इन तीनों से ऊपर उठ चुके हैं, मन ऊब गया है बिल्कुल, आपका एक पग भी इधर ना आता उठता अगर आपका मन तीनों से तंग ना आ जाता, जर से, जन से, जमीन से। इसलिए अनुभवियों ने अनुभव करके कहा, फसाद की जड़ तीन, जर, जन, जमीन। आखिर में मन टूट जाता, मन टूटा, भगवान मुस्कराए, उनकी मुस्कुराहट आप देखेंगे, न केवल मुस्कराए बल्कि उपदेश देने के लिए मजबूर हो गए। ऋषिकेश कुछ मुस्कराने लगे, वो उर्फा के मोती लुटाने लगे। ज्ञान के मोती उनसे इसी तरह निकलती हैं जैसे बादलों से धीरे धीरे करके पानी की बूंदें वर्षा के रूप में प्रकट होती है। बादल पानी का घर है जबकि भगवान ज्ञान के घर है। बड़े अहोभाग्य होते हैं कलयुग में उन जीवों के जो भगवान के ज्ञान के अधिकारी बन जाए। भगवान तो हर एक को ज्ञान देना चाहते हैं क्योंकि हम सारे उनके बच्चे हैं, पर अधिकारी नहीं। परौठा तो माँ हर एक को खाना चाहती है, लेकिन छोटा बच्चा जो आपकी गोद का है वो नहीं परौठा खा सकता, उसके दांत ही नहीं है। अगर कहीं गलती से आपने छोटी सी एक ग्रास भी दे दी तो चबोल चबोल के बाहर निकाल देगा, उसे पता ही नहीं कि यूं चबोल के अंदर ले जाती है, वो बाहर फेंक देगा। इसलिए आप उसे दूध देती है, गई है कि दूध में कुछ पानी डाल के उसको और पतला बना करके फिर गर्म करके ठंडा करके पिलाती हूं, क्योंकि वो भी वो हजम नहीं करेगा, उल्टी कर देगा। शाबाश। इसी तरह भगवान रोकती है रजोगुणी तमोगुणियों को, ये बात मत सुनाओ, उनकी बुद्धि अभी इस योग्या ही नहीं है कि वो इसे पचा ले। अगर कहा जाता है शास्त्रों में पढ़ा, मैंने तो नहीं देखा, आपने भी शायद नहीं देखा होगा, शेरनी का दूध सोने के बर्तन के सिवा जहां भी रखोगे फट जाएगा, वो बहुत ही शक्ति से भरा होता है, उसके लिए सोने का बर्तन चाहिए। अगर ये एक संसारी चीज के लिए कहा जाता है तो भगवान के चोटी के ज्ञान के लिए तो फिर अंतःकरण बड़ा मजबूत चाहिए, बहुत मजबूत चाहिए। तो हमने देख लिया, ये तो हम अनुभव अच्छी तरह के लिए बैठेंगे। इसलिए मैं इस प्रसंग में थोड़ी सी चर्चा करता हूं, आगे निकल जाऊंगा, ये चर्चा किसी के सामने न किया करो, ना उल्टा पुण्य की जगह हम पाप की भागी या भागिन बनेंगे। अब वो अंदर से आपको गालियां दे रही हो, क्या बकबक कर रही है, क्या कौए की तरह क्वां क्वां करे, ये इन बातों में कौए की तरह क्वां क्वां। गुसाई जी ने भी यही कहा था, तुलसी पूरब पाप से, पूरब के ऐसे गंदे संस्कार जीव लेके उत्पन्न होता है, हरी चर्चा ना सुहाए, अमृत भी जिसके सामने शर्म कर लेता है वो भी इसको सुनना नहीं चाहते, कम वक्त जिनके संस्कार गंदे गए। तुलसी पूरब पाप से, हरी चर्चा ना सुहाए, जैसे ज्वर के वेग से भूख विदा हो जाए। बुखार बहुत चढ़ा हुआ, भूख नहीं लगेगी, नींद नहीं आएगी,
आपका मुंह कड़वा कड़वा होगा, कोई मीठी चीज भी देगा आप थू थू कर देंगे। क्यों? खांड थोड़ी कड़वी हो गई है। कारण क्या? जिस मुंह से जानी है वो बुखार के कारण से कड़वा हो गया। तो जिन कानों और नीचे के मन से जानी है भगवान की वाणी, वो गंदे संस्कारों से गंदी हो चुकी। इसे ये भगवान के शब्दों को चर्चित न बनाइए, तकिया कलाम ना बनाना। आपको मजा आ रहा है, लेकिन आप ये तो सोचो कि मुझे मजा आ रहा है, मेरे अंतःकरण के अनुसार उसका अंतःकरण है नहीं, तो फिर अनादर कराना चाहते हैं भगवान के। आमतौर पर स्वभाव ये होता है कि जिसमें हमें रास आता है वही चर्चा चलाती है, लेकिन गीता की चर्चा नहीं चलानी। इसके लिए मन का स्तर बहुत अच्छा चाहिए, बहुत ही अच्छा। इसमें दो गुण तो विशेष चाहिए गीता सुनने के लिए। भगवान के प्रति अटूट श्रद्धा है कि मेरा कल्याण केवल प्रभु से ही होना है, इसे श्रद्धा बोलते हैं। केवल, और कोई समर्थ नहीं है जो मेरा कल्याण कर सके। दूसरा गुण कौन सा होता है? अपनाने का पूरा पूरा शौक, श्रद्धा और तत्परता बोलते हैं शास्त्रीय शब्द है। श्रद्धा तत्परता, अनशेकेबल फेथ एंड अनशेकेबल डिवोशन। अपने आप को डिवोट कर देना कि अब मैंने इसे अपना लेना है, अब मैंने जीवन में ढाल लेना है। अवल तो मैं आप सबसे ये बात कहूंगा, जो ही सुनो वही अपना लो, क्योंकि अब जिंदगी के दिन चौकड़ियां भरते हुए जा रही है, इसी बड़ी जल्दी अपनाते जाओ। अपना लूंगा ये मुझे और आपको कहना शोभा ना देगा, जैसे मेरी नेक बेटी को किसी पर पुरुष के साथ सैर करना शोभा नहीं देता, इसी तरह हमें गा शब्द गी शब्द लगाना शोभा नहीं देता। गा गी का मतलब ये हुआ, मैं अपने भगवान पर विश्वास नहीं, अपने पर विश्वास नहीं, भगवान के उपदेश पर विश्वास नहीं। गा गी ये का मतलब आप एक बड़ा सुंदर नया थैला लेके जा रहे हैं, दोस्त के पास गए, प्रणाम किया, नमस्कार हुआ। फौरन आपके दोस्त ने पूछा, अचानक इस विषम काल में ऑड आवर में दोपहर का 1:30 बजा, कड़कती धूप है, चिलचिलाती हुई धूप है, प्रकृति ज्वालामुखी बन चुकी है, आप आए? हां, मुझे इसी समय 1.5 लाख रुपए चाहिए। माल आया पड़ा है और मेरे पास रुपया है नहीं, 2-2.5 लाख का है, इतना है और ना गया तो गुडविल गई। आप थैला लाए गए, मुझे पूरा विश्वास था कि आपने कभी इनकार करना ही नहीं, इसलिए मैं थैला लाया हूं। और आपको क्या पता था कि मेरे पास है? मुझे पता है कि आप दुख सुख के लिए रुपया रखते हैं, जरूर इतना ही मेरे पास पड़ा जो आपने 1.5 लाख मांगा है, ले जाओ। थैला ले गए, पूरा यकीन है कि उन्होंने मुझे खाली तो भेजना ही नहीं। बहुत अच्छे। तो श्रद्धा वो होती है कि श्रद्धा को पूरा यकीन हो कि इसने दिन रात एक कर देना। मुझे दृष्टांत बड़ा अच्छा लगा जी, आप ही काम में ले आना। मैं वही बातें सुनाता हूं जो आचार्यों की, गुरुदेव जी की मुझे अच्छी लगी और मेरी में इनकलाब आ गया। थैला लेके गया मां का पुत्र, उनको 150 रुपया नहीं, 1,500 रुपया नहीं, 10,000 नहीं, 1.5 लाख, इतना रुपया थैला भर जाएगा है। और उसे यकीन है। तो श्रद्धा तब भगवान मानती है जब दिन रात आप एक कर दें अपनाने के लिए। फिर तो भगवान अगर 100 दिन भी जिंदगी दे दे तो आप बस कामयाब हो गए बेटी। ऐसे अगर 100 दिन भी और आ जाए हमारे पास बस काफी हो, क्योंकि जहां श्रद्धा गए वहां अपनाने में जी गाने लगाते अपना लूंगा। ये कोई खाला जी का घर थोड़ा है, ये कोई आसान बात। अगर ऐसा कहेंगे तो फिर इस जन्म में कल्याण नहीं होना। नहीं, जब भगवान की फुल कृपा मेरे पर हो रही है तो मेरे लिए अब असंभव क्या है, अब तो मैं अपना ही लूंगा। तो ये सुख और दुख का जो चर्चा चलाई है भगवान ने, हमारा दृष्टिकोण बदल गया है। अब ये द्वंद्व मैंने अभी कहा, दिन के साथ रात है, सुख के साथ दुख है, हानि के साथ लाभ है, सर्दी के साथ गर्मी है, संयोग के साथ वियोग है, हमें कोई बड़ा प्यार लगता है, लेकिन ये आपके साथ बना रहेगा नहीं। आपको कोई बहुत इच्छा लगता है लेकिन मन से ये कहना है ये संयोग हुआ है ना, पहले ही तेरे पास था नहीं, तो क्या ये हमेशा मेरे पास बना रहेगा? क्या कठोर मन से सही कह दो नहीं। तो ऐसे द्वंद्वात्मक लोक में, इसे लोक बोलते हैं,
तीन लोक है ऊपर ये और एक नीचे पैरों में, वो देवलोक, ये मृत्यु लोक, हमारे पैरों में जो है वो पाताल लोक। तब विशेषकर इस द्वंद्वात्मक लोक में खुशी से कैसे रहा जाए, किसको दोनों जो है गुण प्यारे होंगे, दिन भी प्यारी, रात भी प्यारा, सुख भी प्यारा, दुख भी प्यारा, योग भी प्यारा, वियोग भी प्यारा है, मान भी प्यारा, अपमान भी प्यारा, संयोग भी प्यारा, वियोग भी, मृत्यु हो जाए घर में तो ठीक है, जन्म किसने ले लिया तो, किसको, जिसने पूर्ण रूपेण सृष्टि बनाने वाले भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया और कभी भी दोनों जो है द्वंद्वों में खुश नहीं रह सकते। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिससे दोनों अच्छे, जिसको दिन रात अच्छी लगे, ऐसा कोई नहीं हो सकता, सिवाय एक भगवान के प्यारे, और भगवान के मुंह से प्यारे नहीं, सिर्फ टिक्के लगा के एडवर्टाइजमेंट करने वाले भगत नहीं, बल्कि जिन्होंने मन वचन कर्म एक होकर अपने आप को सौंप दिया और उनके मन में एक विशेष प्रकार की दिव्य कामना आई, बिन जिसे डिवाइन विश पैदा हो चुकी है, मैंने तो कल्याण करना इस संसार से अपना, मैंने ऐसे नहीं जाना, बस वो इन द्वंद्वों को दोनों को बराबर समझेंगे। चूंकि उनका मन का स्तर ऊंचा हो गया इसलिए आपने सुख दुख बराबर, क्योंकि सुख दुख मैंने आपको बताया महापुरुषों के अनुभव के अनुसार, कोई अनुकूल बात हमारे मुताबिक हो जाए तो सुख, प्रतिकूल हो जाए तो दुख। हमें वो बात प्रिय लगती है जो हमारे मुताबिक हो, और वही बात अप्रिय लगती है अगर हमारे मुताबिक नहीं तो। अब हमारे मुताबिक बात क्या, हमारे अनुकूल क्या, प्रतिकूल क्या, जब अपने आप को वार के फेंक दिया महाराज जी के चरणों में, और अगर चरणों में फेंक दिया है तो आपका रोम रोम जबान बन जाएगी और इसमें से अमर ध्वनि निकलेगी, मधुर तो बाद में बन जाएगी, पहले अमर ध्वनि। क्या उनको हमारी लाज होगी जिनके हम कहला चुके, अब जिनके हाथ बन गए उनको, उनके हाथ में महिला त्रिशादी हो गई, जिस जो तेरा पति कहलाता है, जिसकी तू मिसेज मिसेज अंग्रेजी मारती रहती है, श्रीमती बनती है, हाँ उनको तेरी लाज है, फटी साड़ी जरूर पहन ले, फटी चुन्नी जरूर पहन ले। लोगों ने ये नहीं कहना कुशल्या ने फटी सलवार पहनी, फटी चुन्नी पहनी, क्या कहेंगे, फलानी की बहू ने कपड़े पहने, नाम उसका होगा रामू की बहू, रामू की बहू, रामू रामू की बहू फटे हुए कपड़े पहनती है, तो अनादर उनका। अब भगवान परोसी है, आदर हो तो भगवान का, अनादर हो तो भगवान का, हम तो तुम्हारी कहला चुके हैं, ऐसी श्रद्धा मन में जम जाए, ये मार्ग है ही श्रद्धा का। अब आपके सुख तो बराबर है, कल यही हमने इस बात को संपूर्ण किया था कि जो पूर्ण रूपेण अपने परमात्मा के बन चुके हैं तो जिस जैसे हालात बन जाए ठीक है, प्रसन्न मेरी देवियां खुश रहेंगी, यही तरीका है अभी अभी अपना लेने का, वरना ज्ञान द्वारा नहीं जल्दी अपना सकते आप, अगर ज्ञान के द्वारा आप सुख दुख बराबर करने लगे बड़ा मुश्किल, कर्म योग के द्वारा करने लगे तो बहुत मुश्किल है। भक्ति तो अभी, भक्ति में होता है समर्पण, भक्ति में होता है समर्पण। कितनी देर लगी थी पति का बनने में, शायद हमारे हिंदुओं में तो रसोई रिवाज को 6 घंटा 2 घंटे 3 घंटे लगे, लेकिन भगत बनने में कोई देर नहीं लगती, मैं सदैव आपका। कितनी देर लगी अर्जुन को सिर झुकाने में और ये कहने में, मैं चेला हूं मेरी जो हो नेक रास्ता बता दीजिए, बस कितनी देर लगती है। वशिष्ठ जी ने कहा फूल तोड़ने में तो देर लगती है, पर किसी का बन जाने में देर नहीं लगती अगर जबान में सच्चाई है तो, किसी का बन जाने में हाय हाय, अंतर्मुखी में जाने में कोई देर नहीं लगती, शादी में कोई देर नहीं लगी, ये तो हमारे हिंदुओं के रस्म रिवाज है, वरना कोई देर नहीं, मन के द्वारा है ना, तन द्वारा तो नहीं, मन उनका बन गया। और मन किन का बनता है, जिनको हम अपने भविष्य के लिए अच्छा समझते, याद रखना, ऐसी आप जबरदस्ती कहो कि आप उनका बन जाओ नहीं बनेंगे, कभी अपने पुत्र का फलाने से दोस्ती कर ले शायद किसी बाप ने कभी नहीं कहा होगा, शायद किसी मां ने कहा कि तुम फलाने की पत्नी बन जा, मैं नहीं मानता किसी मां ने कभी कहा हो, बल्कि बेटियां कहती हैं अगर तुमने शादी करनी है तो फलाने लड़के के साथ दे दे, आप अपनी ओर से कहती हैं, तो किसी के बन जाने में कितनी देर लगी, जब मन अपने भविष्य को उसके साथ अच्छा समझे। इस पॉइंट को पकड़ लेना, हमारे अहोभाग्य 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 कि हमने अपना भविष्य भगवान की भक्ति कमाने में अच्छा समझा, महाराज जी की वाणी के माध्यम से हम अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहते हैं, हम अपने भविष्य को अच्छा बनाना चाहते हैं,
ये भगवान की विशेष कृपा, विशेष कृपा। ये भी जरा ध्यान देना मेरे सज्जनों कि हम अपने भविष्य को भगवान जी के साथ, हमने देख लिया माँ के साथ बन के, पिताजी के साथ बन के, बहन भाइयों के साथ बन के, पत्नी के साथ बन के, पति के साथ बन के, मित्रों यारों दोस्तों के साथ बन के, अरे माँ की ओर से रिश्ते जो थे, पिताजी की ओर से उनके साथ बन के देख लिया, इन तिलों में कमलिया तेल नहीं, तसली नहीं हुई, हमारे मन में कोई खुशी नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई। अब भगवान का बन के हम अपने आप को कुर्बान किया चाहते हैं। अनेकों का बन के जब आदमी देखता है कुछ नहीं पल्ले पड़ता, तृप्ति नहीं होती, सक्सेशन नहीं होती, तो ये आखिरी तजर्बा है जीव का संसार के साथ। कौन तजर्बा कर रहा है? जीव, अंदर का जीवन, जो मन बुद्धि तन का जीवन बना हुआ है, वो आप आखिरी तजर्बा करने जा रहा है। इसके बाद तजर्बा करने वाले नहीं गए ना, क्यों? एक में को जाएगा, अपने भगवान के संग मिल जाएगा, अपने प्रभु के संग एक में को जाएगा। इस तजर्बे के बाद मेरे देवियों वो उन्हीं का बन जाएगा। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, इस तरीके से तो हम अभी अभी क्या शांत हो गए। जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, मेरी कोई इच्छा नहीं। इंसान अपनी इच्छा रख के बहुत दुखी होता है, अगर भगवान से शक्ति लेकर के जुटे तो कितना शांत होता है, कितना आनंदित होता है। अपने में क्या होगा? अपने में वासना होगी, हाय। अगर हम अपनी इच्छा करें तो उसमें वासना, वासना मैंने उसमें कोई कामना, कोई स्वार्थ होगा। सुनो ना, मेरे गुरुओं ने मुझे क्या समझाया, अगर हम अपनी इच्छा करके काम करते हैं तो उसमें वासना है, स्वार्थ है, चोट खाएंगे। अगर भगवान की इच्छा अनुसार करते हैं उसमें उपासना है, हाय। हमारी इच्छा में वासना है और भगवान की इच्छा में उपासना, दिव्य प्रेम। उपासना को बैक में लिखना दिव्य प्रेम, और हमारी वास्तव में क्या है? स्वार्थ। तो स्वार्थ को चोट लगेगी, यू विल हैव टू वीप एंड रिपेंट। और भगवान की इच्छा अनुसार करते तो उसमें उपासना है। वाह जी, कितना शांत हो जाता है। ये पॉइंट पकड़ लेना मेरी देवियों। इसलिए भगवान के प्यारे कौन, जिनकी अपनी कोई इच्छा नहीं, सब इच्छाएं भगवान में मिला दी है और बड़े गदगद है, बड़े प्रसन्न है। जो आपकी इच्छा मेरे प्रभु, जो आपकी इच्छा, यही तो सत्संग में आकर गीता के माध्यम से हमने लेना है। आहा, यही बात पकड़ लेनी कि मेरी कोई इच्छा नहीं, जो मेरे प्रभु करेंगे, मेरी भलाई, मेरी बेहतरी, मेरी बहबूदी, मेरी बेटरमेंट है ही उसी में, जो मेरे प्रभु करें। सत्संग से ठोस रूप में यही लेना होता है कि मैं अब मन का नहीं रहा, हाँ मैं तो अपने भगवान का बन गया, मैं अब मनमानी नहीं करूंगी, मैं तो कृष्ण मानी करूंगी। दोपहर को बैठकर, रात को सोने से पहले जब भी कोई समय मिले ये बात जरूर कहा करो, अब मैंने मनमानी नहीं करनी। कान को पकड़ करके, अपने नाक से लकीरें खींच करके ये कहना, मैंने अब मनमानी नहीं करनी, मुझे भगवान की कसम मैंने अब कृष्ण मानी करनी है, मनमानी नहीं करनी। मनमानी करके मैं बहुत जलील हुआ, खराब हुआ, बर्बाद हुआ। मनमानी करके तीन गिद्धों ने मुझे नोच नोच के खा लिया। किन गिद्धों ने? गिद्ध हम जिंदों को नोचती हैं। वो जो आकाश की गिद्ध होती हैं, वो किसी मुर्दार के ऊपर झपटा मारती हैं। और ये जो तीन गिद्ध हमारे महापुरुष कह गए, ये जिंदों को खाती हैं, आदि व्याधि उपाधि, ये हमें खाते हैं। कब? जब हम मनमानी करते हैं। जब हम कृष्णमानी करते हैं, फिर जी शांत आनंदित हो जाता है। वाह, इतना ही अंतर है संसारियों में और आप में। अगर आ गया तो आ जाना चाहिए, मुझे अगर नहीं लगाना चाहिए, आ जाना चाहिए दीदी, कि मैं अपना जीवन अपने भगवान के अनमोल उपदेश के अनुसार काटूंगी, मेरी अपनी कोई इच्छा नहीं, मेरे कन्हैया, मेरे सरताज, मेरे मन के राजा, मेरी अपनी कोई शख्सियत नहीं, इंडिविजुअलिटी नो मोर, मेरी कोई इंडिविजुअलिटी नहीं है। बार बार कहा करो, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, आपके कारण से मैं कुछ हूं, वरना मैं अपने कारण से जीरो जीरो जीरो। स्वामी जी फरमाया करते थे, पांच लगा दो जीरो, इसको जीरो ही कहा जाएगा बेटे, पांच लगा दे, गिन के पांच जीरो लगा दे, एक दो तीन कामा
फिर आगे दो, हाँ पांच जीरो लगा दी, जीरो कराएंगे किस चीज मर्जी पढ़ा लें, लेकिन अगर आप इसके इस साइड पर एक लगा दें, कौन नालायक और मूर्ख कहेगा जीरो, एक लाख है, कितना अंतर बोलने में आ गया, दृष्टिकोण में कितना अंतर आ गया, एक लाख। अब आप किसी से पढ़ाइए ये क्या है, कोई नहीं कहेगा कि जीरो है। पांच जीरो तब जब एक नहीं, जब एक लग गया तो एक लाख। जब हमारा मन श्याणा बन के भगवान को अपने संग मिला लेता है तो जीव लखदा नहीं तो समझो कख। प्रभु मेरी हस्ती कुछ भी नहीं, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, ये किस, ये किसने कहा था, आप में से किसी की बुद्धि काम करती, कहीं पढ़ा, ये किसने कहा था, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, मैं तेरे बिना कुछ भी नहीं, जीरो हूं, तू है तो मैं भी हूं वरना नहीं, तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी नहीं, ये किसने कहा। जब दूध ने, कितने, एक मन दूध ने, हाँ कोई शायद पांच छह किलो पानी को अपने में मिला लिया और वो आठ रुपए किलो बिकने लगा, जब आठ रुपए किलो बिकने लगा कई ले गए तो दूध बोल पड़ा जो बाकी कड़ाई में पड़ा हुआ था, वाह सदके 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 तेरे, वाह तेरे संग मिल करके मैं भी आठ रुपए किलो हो गया, था क्या मैं, लोग शौच करके अपने ऐसे अपवित्र अंगों को धोया करते थे, आ ये सैनी लोग अपनी मूरियां पतोरा करते जहां गंदा पानी पड़ा होता है, हाँ और अब तेरे संग मिलकर मैं आठ रुपए किलो बेच रहा हूं, वाह। तो मेरे मित्र, मेरी हस्ती तेरी हस्ती के सिवा कुछ भी, अगर तू मुझे अपने संग ना मिलने दे तो मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मुझे कौन पूछेगा, लेकिन तूने मिला लिया। इसी तरह अगर हम भगवान की इच्छा पे संग मिला लेती हैं तो कल्याण हो जाता है, अदरवाइज तो बस बेड़ा गर्क था ही। अपने आप को समझा लिए करो, आपकी श्रद्धा बढ़ जाएगी, अगर ऐसे विचार आप बार बार अपने मन में रखेंगे तो, ऐसे विचारों की रेपिटेशन किया करेंगे, अगर ये एक दो लाइनें आप दिन में दो चार पांच छह दस बारह बार बोले, इसमें आपका भला है, न कुछ हम हंस के सीखेंगे न रो के सीखेंगे, आसान है, न कुछ हम हंस के सीखेंगे न रो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे प्रभु के हो के सीखेंगे, जो कुछ भी सीखेंगे उनके हो के सीखेंगे, भक्तिभाव और बढ़ेगा। अब आपके लिए द्वंद्वों का मुकाबला करना बिल्कुल आसान, इच्छा ही कौन ही रही अपनी, अपनी कामना नहीं, अपनी इच्छा नहीं, जो कुछ भी होता है दोनों हाथ जोड़ देंगे, प्रभु इसी में मेरा भला है, मेरे इष्टदेव इसी में मेरी बेहतरी है, ये हो गया सम दुख सुखा, जो मेरे भगवान ने कहा मेरे भक्तों में दुख सुख बराबर, वरना फेल हो जाओगे। अगर मेरी बेटियां, अगर मेरे बच्चे कुछ अपना बनाए रखेंगे फेल हो जाएंगे, टाइम से आप फेल जाओगे मेरी बेटी, बस जैसे भी है मार दो अपने आप को, इससे पहले कि काल हमें रगड़ दे, हम भी क्यों ना भगवान के चरणों में अपने आप को रगड़ दे, रगड़ा तो हमने जाना है, रगड़ा तो हमने जाना है, पहले क्यों ना रगड़ के रख दे, प्रभु में तेरा, मेरे मालिक में तेरा, कितनी मौज, कितना अच्छा। अगर आप भगवान को कहें, मैं तो भगवान बस आप ही का बन चुका हूं, अदा रजोगुणी नहीं बनते किसी के, नहीं रगड़ते आप, मेरा काल रगड़ के रख देता है, जबरदस्ती अगर काल रगड़ता है तो जन्म मरण का चक्कर, और जिसने जिंदगी में अपने आप को भगवान के चरणों में रगड़ के रख दिया, अपनी सब इच्छाएं छोड़ दी, तो वो क्या सदा के लिए भगवान की जात में समा गया, क्योंकि अगर मैं और आपने सही रूप में भगवान के चरणों में सौंप दिया है तो उसका उसका पक्का चिन्ह, उसका पक्का लक्षण क्या है, भगवान का सिमरन शुरू हो जाएगा, भगवान का चिंतन शुरू हो जाएगा। जैसे हमारी बेटियां अगर सही रूप में किसी पुरुष को अपने मन में बसा लेती हैं, उनका चिंतन, सपने भी उसी के आएंगे, चिंतन भी उनका आएगा, ये शारीरिक प्यार है और हमारा दिव्य प्रेम है, दिव्य प्रेम में जब भी हम अपने आप को सौंप देती हैं उनका चिंतन शुरू हो जाएगा, वाह। अगर आप कहती मैंने तो अपने आप को सौंप दिया तो फिर मुझे बताइए चिंतन किसका है, अगर तू कहती मैंने बिल्कुल अपने आप को सौंप दिया तो किसके बारे में छिखा लाता है, भगवान के बारे में, सब सब कुछ सौंप दिया,
अगर भगवान के बारे में पुरुषार्थ करना पड़ता है तो आपने पूरा सौंपा नहीं। ये मेरे महापुरुषों ने बताया, ये हमारे बड़ी मदद कर रहे हैं हमारे नारद जी। अगर पूर्ण पेन सौंप दिया गया जी तो चिंतन भगवान का। अगर अभी पुरुषार्थ करना पड़ता मैं भूल जाता हूं भगवान को कभी कभी, तो मेरा सौंपने में कमी है। अगर आप भूल जाते हैं तो मन कहां होता है? तो अभी काफी मन उसका है जहां भूल के कहीं चले जाते हैं। अपने मन को समझा लीजिएगा। इसके बाद जब हम पूर्ण पेड़ भगवान के बन गए और संसार की किसी भी सु घटना और कु घटना में हम बराबर रहे, प्रिय अप्रिय घटना में हमारे मन का तवाजन न खोया गया, अगला गुण आसानी से आ जाएगा। क्या कहा? सम दुख सुखा क्षमी। मैं ले चल रहा हूं आपको आगे। भगवान कह रहे मेरे भगत क्षमावान होते हैं, क्षमाशील होते हैं। शील होता है बेटे स्वभाव, शील मैंने स्वभाव। कैसा स्वभाव उनका? स्वभाव है संज्ञा, इसके आगे लग रहा है अब विशेषण क्षमा। उनका स्वभाव क्षमा करने का होता है। जिनका स्वभाव धर्म का होता है, युधिष्ठिर जी को धर्मशील बोलते हैं। धर्म का स्वभाव है जिसका, और आप प्रश्न को भगवान क्या देखना चाहते हैं? क्षमाशील। बेटे शील, अगर आपका स्वभाव बहुत अच्छा हो तो आपका नाम रखा जाता है सुशीला, स्त्रीलिंग बन जाएगा। और लड़का बहुत अच्छा हो, गुड नेचर्ड फेलो को अपनी भाषा में बोलेंगे सुशील है। सु मैंने अच्छा, शील मैंने नेचर, जिसकी नेचर बहुत अच्छी है सुशील, और वही जाके नारी को बोला जाएगा सुशीला। बहुत अच्छा स्वभाव है उसका। अब भगवान हमें क्या देखना चाहती है? क्षमाशील। अच्छा बाबा, मजाक नहीं, इसको कल युग में अपने में रखना। फिर आप ग्रस्त आश्रम में है, मेरी तरह एकांत में नहीं रहते, लोकांत में रहते हैं। आपको न चाहने पर कईयों के साथ व्यवहार करना पड़ता है। फिर कईयों के साथ क्या? जो ऊत है, जो निकम्मे है, बालमुखी है, जिनमें कई गंदी वृत्तियां हैं, उनके साथ आपको मुकाबला करना पड़ता है। आपका व्यवहार उनके साथ है, न चाहने पर भी व्यवहार करना पड़ेगा। फिर भी भगवान जी चाहते हैं क्या? आप क्षमाशीला बन जाए, आप क्षमाशील बन जाए। अच्छा, जो चाहती है तो शक्ति वो देंगे, नहीं दे रहे आसान हो जाएगा आपके लिए। अगर पहला गुण सुख दुख में बराबर आने के लिए हमने अपना मूली कुतरा करवा दिया, भगवान के चरणों में अपने आप को सौंप दिया और अंदर रख दिया कि मेरी कोई इच्छा नहीं, जो मेरे प्रभु की इच्छा वही मेरी इच्छा, जिस तरह वो कर देंगे मैं अपना सिर झुका दूंगा। सरे तस्लीम खम है, वाह मेरे स्वामी वाह गुरुदेव, स्वीकृति वाला सिर झुक गया है। जो मिजाज यार में आए, जो मेरा यार, जो मेरे भगवान करती है, सरे तस्लीम खम, मैंने सर झुका रखा है। बड़ी अच्छी विचार है, सरे तस्लीम, स्वीकृति वाला सर झुका दिया है। जो आपकी इच्छा, तलवार मारनी है तो गर्दन काट दो, प्यार करना है तो छाती से लग जाओ। वाह, इसे बोलते हैं सरे तस्लीम खम है, मैं सिर झुका पड़ा, जैसे मर्जी कर लो। उन दिनों गांधी जी जब देश को आजाद कर रहे थे, मेरे देश के करोड़ों पतियों ने क्या खाली चेक दस्तखत करके गांधी के हाथ में दे दी थी। बेटी खाली चेक, बापू जितनी तुझे जरूरत है खुद लिख के बैंक से निकाल लिया कर। ये हिंदुस्तान में पहली मिसाल, अभी तक दूसरी मिसाल नहीं आई। गांधी जी के पास कईयों की पूरी पूरी चेक, 20-20 चेक की एक एक कॉपी, और सब पे दस्तखत हुए और कैसे बोलते हैं खाली चेक, बापू मनी आप भर लो, आपको 2 लाख चाहिए, 4 लाख चाहिए, करोड़ चाहिए, आप भर दो और ले करो, आप अखबारों में ना निकालो, मेरे पास इतना फंड की कमी है, ये आप नहीं देखना चाहते। ये गांधी जी के पास खाली चेक, तो ये क्या आप जितनी जरूरत हो आपको ये भर दिया करो, और अगर देखो कि चेक खत्म होने वाला तो आप फौरन हमें आप किसी के द्वारा कहला दिया करो। वाह वाह, भगवान कितने खुश हुए होंगे जिन्हें अपने खाली चेक गांधी देवता के आगे, महात्मा के आगे रख दिए कि जो जरूरत है आप निकाल लो, और देश को आजाद करा रही हो ये काम करो, इनकी जड़ें निकालो फरंगियों की, शाबाश। तो भगत क्या होता है? हाय रब्बा,
भगत क्या है? खाली चक भगवान के सिर चरणों में। जो अगला सिर झुका देता है मतलब क्या, जिस तरह भी कर दे मेरी सरकार मैं तैयार, जिस तरह भी आपकी इच्छा हो जो मर्जी कर दो, मार चाहे तार, हा जरा भी मेरी किसी प्रकार की इंतजार, जो मर्जी कर दो। ऐसे पर देवियों भगवान की बड़ी कृपा हो जाती है। ये होगा जीते जी मर जाना, डरना नहीं, इसे कहते हैं जिंदगी में ही अपने आप को खत्म कर देना। भगवान की मांग है, भक्ति की मांग है, प्रेम की मांग है, मोहब्बत की मांग है। मोहब्बत में यह लाजम है कि जो कुछ है फिदा कर देना, फिदा होता है कुर्बान कर देना, समर्पण कर देना, अपना अधिकार छोड़ देना। अगर प्रेम किया गए तो फिर अपना अधिकार जीव को छोड़ देना होता है। प्रेम किया है ना, आह 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 किस बात पर भरत मान गए और पादुकाएं ले गए, केवल इसी बात पर। किस बात पर भरत शर्मिंदा हो गया, क्या चाहते हो तुम? देखिए जरा इनकी गुफ्तगू क्या हो रही है वन में, जबकि भरत जी गए थे अपने भैया को वापस लाने के लिए, कि अपना सिंहासन संभालो। किस बात चित पर आए तुम सारे, बोलो। राजपाट आपका है और मैं बिल्कुल नहीं जाऊंगा, अपनी माताएं यहीं रखूंगा, 14 साल आपके साथ ही रहूंगा, अपना राजपाट संभालो। भरत, तेरा प्यार तेरी कदर मेरे मन में बहुत ज्यादा है, मैंने आज तक कभी भी तेरा कहना नहीं मोड़ा, बल्कि जब हम खेला करती थी तरीके से मैं हार जाता था तुझे जिता देता था, कि ऐसा न सोचे कि मेरी और मां है और इसकी और मां। मैं हर बार तुझे जिताता रहा हूं, जब आम के वक्त निशाने लगे थे तो मैंने गुच्छा जो मैंने खुद तोड़ा था तेरे गुच्छों में रख दिया था कि तेरी इज्जत हो मेरी ना, वरना ज्यादा आम तो भगवान ने तोड़े थे तीर मारकर ये बताने के लिए मेरा निशाना शानदार है। पर भरत को नीचे आंखें ना करनी पड़े, इनको आपस में लड़ा दिया लक्ष्मण को और इनको, और इधर उध जाकर के अपने टूटे हुए आम उनके ढेर में डाल दिए कि ये भरत की है, ये भरत की है। हाँ भैया मैं मानता हूं, फिर अब क्या चाहते हो? सिंहासन संभालो, मैंने संभाल लिया। ओए ओए ओए, इतनी रौनक उस वक्त हो गई, हाथ सिंहासन ले लिया, ले लिया, तेरे प्यार के आगे मुझसे इनकार नहीं होता। तुम इतने प्रेम पूर्वक मुझे कह रहे हो और मेरे पर इतने विश्वास करते, मैंने राय दे दी। भैया भैया, अपलक नेत्रों से अपने भैया को देखने लगे जैसे पहली बार अपने भैया को देखा हो। आपने ले लिया? मैंने ले लिया। सिंहासन आपने संभाल लिया? मैंने संभाल लिया। मेरे प्रेम की आपने खूब कदर की, मैं बड़ा कृतज्ञ हूं। हां अब तुम बार बार प्रेम कह रहे हो, हां प्रेम किया है ना तूने दिलो जान से मैंने, और मैंने कदर की है ना, हां तो एक बात पूछूं भरत, अब तो मैं बड़ा हूं ना? हां भैया आप कहो। प्रेम किया है ना तूने? हां तो प्रेम में कुछ मांगना तो नहीं होता, तुम्हें क्या करूं? प्रेम किया है तो बिना मोल के बिक जाओ, बिन मोल बिक जाओ। भैया ठीक कह रहे हो, मैं बिन मोल बिक जाता हूं। प्रेम में मोल नहीं होता, प्रेम में बार्गेनिंग नहीं होती, प्रेम में सौदाबाजी नहीं होती। बेटे प्रेम, आप बेटी के साथ प्रेम करते कोई सौदाबाजी थोड़ी है, पति के साथ कोई सौदाबाजी रखी, कोई कंडीशनें रखी हैं, शर्तें रखी हैं। जहां शर्तें हैं वह प्यार नहीं, जहां प्यार है वहां शर्त नहीं होती, बेशर्त प्यार होता है, अनकंडीशनली। ठीक है भैया मुझे स्वीकार, कोई मेरी शर्त नहीं है प्रेम में। अच्छा फिर तेरी भी बात रह जाए और मेरी भी बात रह जाए। हां मेरा राजपाट 14 साल के लिए तेरे पास धरोहर के रूप में है, जो एक खुशी की लहर चली थी खत्म हो गई। 14 साल मेरी अमानत अपने साथ पास समझो रखो। अच्छा और उसके बाद मैं आके ले लूंगा, तो मेरा समझ करके मेरी प्रतिनिधि बनके, प्रेम के प्रतिनिधि बनके वो काम करो, मोर मेरी लगाओ, जो कुछ भी करना कागजों पर नीचे मेरा नाम लिखो, जैसे हर मास साहब छुट्टी पर हो तो अंग्रेजी में फार लिखती हूं, कृते हिंदी में लिखते कृते, उनकी तरफ से कर रहा हूं, मैं कोई हेडमास्टर नहीं हूं। इसी तरह मैं भगवान राम जी की ओर से राज चला रहा हूं, मैं खुद
सिंहासन का राजा नहीं हूं, इतना चलाओ जो आ गया। अच्छा प्रभु, जो मांगूंगे वो दोगे, मेरी जान भी हाजिर है, राम ने कहा, इस प्रेम में मैं कभी नहीं इनकार करूं, जो मांगोगे दोगे। तो भैया अपनी पादुका है मुझे दे दो, कमले भरत, क्या करोगे मेरी पादुका है, चलो मैं नंगे पैर रहूंगा यहां पर, कोई बात नहीं, लेकिन पादुका है मुझे आप, मैं देता हूं, ले लो, पर जवाब तो दो क्या करोगे। भैया सिंहासन पर मेरे शरीर के अगले टुकड़े हो जाए और पक्षी खा जाए, अगर उस सिंहासन को मैं 14 साल पहले स्पर्श भी कर जाऊं, मैं आपका प्रतीक, आपका रूप ये पादुका है सिंहासन पे रख के फूल चढ़ाता रहूंगा कि मेरे भैया विराजमान है और वो जैसे मुझे आंसू बहाए, मर्यादा तोड़ दी और छाती से लगा करके रो पड़े, बरत तू जीत गया और मैं हार गया, ये पादुकाएं इसी रूप में रहेंगी और जो तुम फूल चढ़ाओगे वो कभी कुमलाएंगी भी नहीं। हाय 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 हाय, जाओ भरत बेटे, अब हम प्यार कर रहे हैं ना भगवान के साथ, हाँ प्यार में अपने आप को सौंप देना तो शर्त कोड़ी रखनी हो, जिस तरह भी महाराज जी करेंगे ठीक है, जो कर रहे हैं जो करते जाएंगे हमारे साथ अब हमें स्वीकार है, हमारा जाप बढ़ जाएगा, हमारा प्रेम बढ़ जाएगा, हमारा मन झुक जाएगा, अब हमारे में एक गुण आ जाएगा भगवान की कृपा से, हम ले आए नहीं आ सकता, जब हम भगवान के बन जाते हैं तब ये गुण उसी तरह आने लगता है। कभी आपने आम के वृक्ष को देखा हो तो बड़ी सी बात, नहीं तो देखो मेरे कहने पर कहीं जाकर के आम के वृक्ष को देखो और सैर करते हुए रोज देखो, अंबियां लगती हैं, अंबियां पहले जिनका अचार डालते हैं आप, लेकिन सारे थोड़ी तोड़ी जाती हैं, हाँ तो कुछ तो अंबी रह जाती, तो देखिए जरा, हाँ ए, आज आम आपने देखा एक टहनी को, अच्छा अब एक हफ्ते के बाद देखना टहनी झुक गई है नीचे है, फिर दूसरे हफ्ते टहनी और झुक गई, कैसे, जो जो आम पक्का होता जाता है तो टहनी झुकती चली जाती है। हमारे महापुरुषों ने यही कहा, जो जो आम उसमें रस पड़ता जाएगा और आम फैल के मोटा होता जाएगा तो बोझ बढ़ेगा तो टहनी झुकेगी, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। इस तरह जो जो भगवान के प्रति आप में प्रेम बढ़ेगा, आप में विनम्रता आएगी, आप झुकते जाएंगे, जिनमें रजोगुण बढ़ता है वो अकड़े हुए होते हैं छाती तान के, अकड़ ए, क्या समझता हूं मैं तुझे, और जिनमें सतगुण बढ़ता है भक्ति भाव और प्रेम आता है, झुकते जाएंगे और भी झुकते जाएंगे और भी झुकते जाएंगे, जिस तरह झुक के रहे वो शाख आए जिसमें फल, ये वापस कह गए तो हमारे में क्या हो जाएगा, विनम्रता आ जाएगी, ह्यूमिलेशन विनम्रता आज ही आए, भगवान को ये गुण बहुत पसंद है। ओ मेरी माताओं, मेरी अच्छी बेटियों, बुजुर्गों, मेरे धार्मिक भाइयों, हमारे इष्ट देव को ये गुण बड़ा पसंद है कि भगवान के प्यारे विनम्र हूं, और कोई कोई होगा विनम्र, वरना तो जमाना वो जा रहा है ईंट का जवाब पत्थर से, एक किसी ने गाली दी है 10 गालियां दोगे, एक किसी ने कठोर शब्द कहे आप भी कई कठोर शब्द कह करके दम लेंगी, वक्त वो गंदा जा रहा है, पर वो तो जहान के प्यारे गए, हम तो भगवान के प्यारे गए, भगवान के प्यारों में प्रेम और भक्ति भाव आ जाता है, वो विनम्रता ले आती है कि मैं ना ही हूं मेरे माल का, अब तो तू ही तू है, तू ही तू है, ये सब कुछ जो कुछ भी आप कर रहे हैं आप अपनी दिव्य शक्ति दे के करवा रहे हैं, क्योंकि ये भाव हमारे मन में भगवान ही बिठा देती है, क्या दरअसल होती है मेरी दा, ये जो कुछ भी हमारे में कुछ गुण नजर आ रहे हैं ये भगवान ने अधिकारी समझ के अपनी ओर से हमें दिए, अपनी ओर से हमें, आपके बढ़िया कपड़े को देखकर, आपके बढ़िया चेहरे को देखकर, आपकी बढ़िया कार को देखकर कोई क्या कहेगा, आपको किसी ने नहीं कहना, बल्कि कहेंगे ये शेठ जी का पुत्र है, अब अगर आप इसी कार से निकलेंगी तो आप कहेंगे किसी रईस की बहू है, हाँ कोई इसका पति बहुत ही उच्च बड़ी पदवी पे होगा, इसी तरह हमारे में जो भी गुण होगा वो उस रईस भगवान ने बनाया, हमारे में क्या है, हाड़ मांस चाम मल मूत्र इसके अंदर है ही क्या, अगर हम एनालिसिस करें, अगर हम देवी सुरजन इसका विश्लेषण करते हैं तो हमें सब बैड क्वालिटीज नजर आती है अंदर, गुड क्वालिटीज नहीं, तो ये जो गुड क्वालिटीज भर रही है कौन भरता है, भगवान जी अधिकारी समझ करके, तो ये विनम्रता आप में आ जाती है, बिल्कुल झुक जाती है आप, और जितना झुकते जाएंगे
याद रखना उतना भगवान आपकी ओर बढ़ने लग जाएंगे। ये मैं मुझसे 100 बार कहलवा लूं और आप पक्का कर लो, जितनी आप झुकती जाओगी नारी बन करके, हाँ उतना समझो भगवान मेरे नजदीक आते जा रहे हैं, और भी नजदीक और भी नजदीक। आप जो जितना झुकता जा रहा है लो आगे चलो, उतना ही क्षमाशील होगा। क्षमा ऐसे नहीं आती आपका क्षमा कर दे, ऐसे भी कोई भी होता है क्षमा कर दे, ऐसे थोड़ा दूध आपके पास पड़ा है आप कहते देवता जी राम राम, दूध कहते राम राम मुझे मक्खन के 4 पेड़े दे दे, ऐसे थोड़ा दूंगा, कुछ मैं कुर्बानी करता हूं कुछ तू कुर्बानी कर, मैं भी कुर्बानी करूं, हां कर मुझे गरम, लगा मेरी में जामन, 4 घंटे मुझे रहने दे, थोड़ी सी तू इतनी मोटी झूठी है, हां मथनी डाल और घुमा घुम घुम चाटी बोल, मैं मक्खन के पेड़े दे दूंगा। कुछ वो हमारे से चाहता है पुरुषार्थ उसमें तो है ही, हम कहे पिताजी कहे पुत्र क्षमा कर दे, ऐसे नहीं होता जैसे दूध में कहे मक्खन के 4 पेड़े दे दे, जब तक कि तुम पुरुषार्थ न करो, किसी के कहने पर कोई क्षमा नहीं करता जब तक वो खुद विनम्र ना हो, और विनम्र कौन होता है, जो रब दा प्यारा ना हो वो विनम्र भी नहीं हो सकता। आय खाई जिसने अपने आप को सौंप, आजकल तो नाम के भगत है, काम के भगत होंगे बहुत कम, सिर्फ नाम के भगत, जैसे गुरुद्वारों में नाम के ज्ञानी जी, ज्ञानी जी कहलाने में बड़ा शौक है, बनने का शौक नहीं, आजकल देवियों को और सज्जनों को भगत कहलाने का शौक है बनने का नहीं, इन गुरुद्वारे के पाठियों को ज्ञानी कहलाने का शौक है, और रब्बा ओ पातशाह देख ले, जिस ज्ञानी की तू परमेश्वर का रूप कहा गया उनको सिर्फ कहलाने का शौक है बनने का नहीं। भगवान करे हमारे में ऐसी कोई ब्लैक शीप ना आए जिसे सिर्फ कहलाने का शौक हो और बनने का ना हो, भगवान उसको पहले डिटेन कर ले, पहले मेरी बेटी के घर में कोई जवाई जुई आ जाए, कोई आ जाए, या ना आ सके वो, या वही यहां जिनमें आग लगी हुई है कि मैंने तो अपना कल्याण करना ही है, हमें कोई शौक नहीं कोई भगत का है, हमने क्या करना है भगत को एडवर्टाइजमेंट करवा के, हमने तो भगवान की नजरों में रह के प्यार लेना है। आइए ना, विनम्र कौन होगा जो भगवान का मन वचन कर्म से प्यारा होगा, उसको विनम्रता भगवान क्या पुरस्कार रूप में इनाम रूप में देती है, ये विनम्रता क्या आपकी नहीं, या मैंने आपको दी हो भगवान की कसम नहीं, या पिताजी माताजी गुरुदेव देते हैं, नहीं देते, भगवान का इनाम है, कब जब आप विनम्र हो जाते हैं, और विनम्रता कब आती है जब अपने आप को सौंप देते हो भगवान के चरणों में। विद्या ददाति विन्यम, व्यास जी आपका पाठ में इनके कानों द्वारा मन में रख रहा हूं, आप ताकत दो कि जो मैं रख रहा हूं इनमें सदा टिक जाए, स्टेबलाइज हो जाए। फरमाया जो गीता ज्ञान को प्राप्त करेंगे वो कुछ देगी विद्या, ये ब्रह्म विद्या देगी, विद्या ददाती, विद्या देती है विनयम विनम्रता। जो जो आप भगवान के इस ज्ञान की मूल शब्द पकड़ो, थोड़ी सी उसका जानते हो नहीं जानते हो भी ले लो, विद्या ददाती विनयम, विद्या प्रदान करती है क्या विनम्रता को, 3 शब्द है बड़े कमाल के, विद्या ददाती विनयम। अगर ये विद्या आप ले रहे हैं भगवान महाराज जी की, तो इससे इनाम के तौर पर पुरस्कार रूप में क्या मिलेगी आपको, विनम्रता। जैसे गवर्नमेंट बड़े बड़े अच्छा काम करने वालों को साल के बाद वो अवार्ड देती है, तो भगवान का ज्ञान हमें अवार्ड देता है विनम्रता का। अगर हमने ज्ञान को ले लिया भगवान के प्यारे बन गए तो विनम्रता, इसके बाद क्या होगा, अब आपका स्वभाव कैसे होगा, एक तो आंखें आपके नीचे रहेंगी, चाल में फर्क पड़ जाएगा, बोलने में फर्क पड़ जाएगा, व्यवहार में फर्क पड़ जाएगा, मैं कुर्बान मैं कुर्बान, जैसे ब्यायू का पूरा रूपेण फर्क पड़ जाता है, हर रूप में मैं क्या बोलूं, ब्यायू का आपको तो तजर्बा है ही, कुआरी का किसी और रूप में जो ब्याह गई है शादी हो गई है, हर रूप में फर्क, सिर से लेकर पैर तक और उधर मन से लेकर के अहंकार तक, आंतरिक बाह्य आप में अंतर आता जाएगा, इससे जो पूरा पेड़ मेरी भगवान की भक्ति में बन चुके हैं, आंतरिक और बाह्य इंटरनल स्टडी उनमें अंतर आ जाएगा, और उसमें सबसे बड़ा अंतर क्या है, क्या आ जाएगा अंतर, क्षमावा, वो क्षमाशील हो जाएगी, क्षमाशील। अच्छा क्या क्षमाशील, और क्षमा देवी के चरणों में
दोनों हाथ जोड़ करके मैं और आप एक बार प्रणाम तो कर ले। क्षमा भगवती, हमारा आंतरिक रूप में प्रेम पूर्वक प्रणाम स्वीकार कीजिए। क्षमा की देवी का नाम क्या है? हाँ, सारे गुणों के देवी देवता हैं। अरे बोल, क्षमा की देवी का नाम क्या है? क्षमा रूप है। जैसे धन किसका रूप है? लक्ष्मी का। और क्षमा किसका रूप है? ऐसी चगल मार भूमि, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि दृष्टांत में भूमि आती है, लेकिन सरस्वती कहना, ज्ञान की देवी है ना सरस्वती, गॉडेस ऑफ नॉलेज। तो क्षमाशील की देवी सरस्वती या भूमि देवी वसुंधरा, तो बैकग्राउंड में आप सरस्वती रखना ज्ञान की देवी को। अब आप इसके बारे में विचार, इनके देवी जी को प्रणाम करके भूमि देवी को या सरस्वती को प्रणाम करते हुए आगे बढ़े, क्षमा है क्या? ध्यान देना जरा, मैं आज शुरू करने लगा हूं। क्षमा किसी कहती है, फिर आगे हम इसको समझने की चेष्टा करेंगे। क्षमा होता है माफ कर देना, टू फॉर गिव। किसी ने कुछ कह दिया, हा माफ करते पड़ेंगे, फॉर गिव कर दे, अच्छा चलो। लेकिन महापुरुष जो कह गए, मैं वो आपको समझाऊंगा। क्षमा ये नहीं कि आपने माफ कर दिया, इसको क्षमा नहीं कहते। या आपने कहा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, अगर आपने ये कसूर किया है, हाँ चलो कोई बात नहीं, कोई छोड़ दिया मैंने, नहीं ये नहीं। क्षमा कब? आपने उसे दंड देने की पूरी शक्ति हो, फिर आप बदला न लें, इसको क्षमा कहती। आप में पूरी शक्ति है बदला लेने की, उसने कसूर किया, दंड देने की शक्ति है, आपकी भुजा में भी है, आपकी बुद्धि में भी है, आपके मन में भी है, आपके धन में भी है, और आपके कई साथी भी हैं, आपके पतिदेव भी बहुत अच्छे हैं, आपके बेटे भी, दोनों के दोनों राम और लक्ष्मण हैं। जरा सा बेटे कह दे तो बदला ले लें, फिर भी आप कुछ नहीं कहती, इसको क्षमा कहती। बाबा फिर सुना, बदला लेने की पूरी पूरी शक्ति भी हो आंतरिक और बाह्य, और फिर भी बदला लेने का भाव ना आए, इसको क्षमा कहती। गौर करना, गौर करना, कभी नहीं सोचा आपने, मेरी गीता की बातों को ले लो, मेरे भगवान की बातों को ले लो, आपका लोक पर लोक दोनों बन जाएंगे, हम लेके न मर जाएं, हम सब कुछ भगवान का दे के आपको इस जहान से जाएं। हमारे मन में यही शौक है कि जो कुछ भगवान ने हमें दिया है, महापुरुषों ने हमें दिया है, वो आपको दे जाए। कोई बात हम अपने साथ लेके नहीं जाना चाहते, आप रखो ताकि आपके भी हमारी तरह काम आए। क्षमा किसे कहती है? बदले की पूरी पूरी शक्ति हो, शरीर में भी और अपने मन में भी, बुद्धि में भी, धन में भी, और जन बल भी हो, जन बल आपके हाथ है, पतिदेव बहुत अच्छे हैं, बेटे आपके बड़ी अच्छी सेहत वाले गए, धन बल, जन बल, तन बल, तन बल, मन बल, बुद्धि बल, जन बल, धन बल, ये सारे बल हैं, फिर भी आप बदला नहीं लेती, इसको क्षमा कहती। वैसे कोई किसी ने कसूर किया, बाल आपके पास है, ये किसी भी प्रकार का नहीं, अगर आप वहां बोलते चार थप्पड़ मार के आपके दो दांत तोड़ देगा, जाया जा यार तुझे क्षमा किया, ये क्षमा नहीं है। शक्ति तो है नहीं बदला लेने की, ये जो है मजनू का पुत्र बने फिरते हैं दुबले पतले, जा यार मैंने तुझे माफ कर दिया, तो अगला क्या बोलेगा, तू करके लेगा मेरा, कुछ करके देख ना, जरा बताओ मैं तुझे जी का जवाब, वो ये कोई क्षमा होती है? वो तू मेरे की कर लेगा, आ जरा कर ले मेरे नार, आ तो सही जरा आ, आ कुछ करने तो कर, आ तो कुछ है ताकत आप में, कोई ताकत है? नहीं ब्रावा भाई, नहीं ताकत है, कोई नहीं, फिर इसको थोड़ा क्षमा कहती है, कुछ कर सकती नहीं, थोथा चना ते बाजे गना। हाँ बाबा अब समझ आई, पूरी पूरी शक्तियों, तन बल, मन बल, बुद्धि बल, धन बल, जन बल, फिर भी आप बदला न ले, आपको देवता न कहे तो क्या कहे, आपको देवी भगवती कहे कि आपके चरण धूली लेके चंदन की तरह मस्तक पे ना लगाएं, देवी तो क्या कहे। चलो मैं लंका ले चलूं आपको, ये देखो किनकी वार्तालाप हो रही है, मंदोदरी और उसके घर वाले
नीच रावण की। मंदोदरी ने क्या कहा, प्राणनाथ आज तो मेरा कहना मान लो, आज पूर्णिमा है। बोल, आज भी अब भी समय है। एक उनका दूत आया और लंका को सार के चला गया और आप इतने हैरान परेशान हुए, मैं कोठे से ध्यान से देखती रही, आपके आंसू गिर रहे थे। तू कहां थी, तू कहां थी, रहने दो आप। एक दूत ने आके तबाही मचा दी सारी लंका की। उनके पास पता नहीं ऐसे कितने ही होंगे, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, मैं साथ चलती हूं। वो पतिव्रता है, उसके चरणों की धूली उठा लो, वो आपको क्षमा कर देगी और अपने पति से भी क्षमा करवा देगी। ब्रेक तो लगी रावण को, पर ब्रेक पक्की नहीं लगी। लग तो धक्का तो लगा उसको, पर होनी कहे मैं सब तो वड्डी, मैं जो चावा सो कर दी। फिर झाड़ने लगे मंदोदरी को, प्राणनाथ मैं आपसे ठीक कह रही हूं, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप मुंह में तिनका लेकर के उसके पास चलो, मैं चलती हूं। पर रावण मानता हो भी ना मानो, बेटी क्षमा शक्ति हो अपने पास। फिर आगे उसने ताना मारा मंदोदरी ने कि महाराज अगर आप नहीं करोगे हां तो उनके किसी फौज के आने की जरूरत ही कोई नहीं, यही सारी आपकी लंका को भस्म कर सकती है अगर ये क्रोध में आ गई तो, नामो निशान आपका और आपकी लंका का नहीं रहेगा। है? मैं सच कह रही हूं, चूंकि मैं पतिव्रता हूं, मैं जानती हूं कई गुना ताकत मेरे से उसमें है, ये उसकी मेहरबानी है कि इतनी शक्ति होते हुए भस्म नहीं कर रही आपके लंका को और आपको, अब भी समय मेरे साथ चलो और क्षमा मांग लो। ये होती है क्षमा, पूरी शक्ति भी हो, हर प्रकार की शक्ति सीता जी की तरह। सजनों दोस्तों बेटियों, फिर कुछ ना कहा जाए, इसे आप अपनी बोली में क्या बोलोगे, क्षमा ना कहो तो क्या कहोगे, ओ पंजाबी वालों क्या बोलोगे, बाबा यही कहेंगे क्षमा ना आखाता की आखा, उसको क्षमा ही कहना पड़ेगा पूरी ताकत होते हुए, फिर किसी के कसूर के बदला ना लेना और कहते कोई बात नहीं, और कोई बात नहीं, क्षमा करने वाला क्या कह रहे हैं, इसमें पूरी ताकत है। और नाना प्रकार के मच्छर तो भैंस के ऊपर बैठते रहती हैं, भैंस अपनी पूंछ मार के उड़ा ही देती है, शाबाश, भैंस तो अपने पूंछ मार के उड़ा देगी, कोई बात नहीं। भगवान आप लोगों से आशा रख रहे हैं, मेरी और आपसे आशा रखती है, व्यवहार किन के साथ, अवल तो भगवान कृपा कर रहे हैं और करें आपका व्यवहार कम हो जाए, आपका व्यवहार मेरी देवी और नारी के चोला गए, दिन प्रतिदिन भगवान मेरी आंतरिक प्रार्थना स्वीकार करें और कम हो जाए व्यवहार, लेना देना, उठना बैठना, रस्म और रिवाज, ये संसारी आदमी के साथ और कम और कम और कम, ये सारे ऊत हैं, मोटे सूत ऊत, ये शत्रुत नहीं है, शत्रु तो आप लोग हैं जो भगवान के प्यारे गए, ये तो ऊत है, ऊत पत्थर, इनके साथ आपका मिजाज बहुत व्यवहार कम हो जाए। आपको और उनको क्या कहा गया, संसारी आदमी को उन्हें कैसे समझना हो तो कहते यूं चल के समझो, एक केली खिर रही है चारों ओर, एक केला होता है बच्चे, एक केली होती है, उसके पत्ते ही पत्ते लगते हैं, केला नहीं लगता उसके साथ, अच्छा हाँ, और एक पुलिंग होता है केला, जो केली की छत्र छाया में लगता है, जैसे पपीता होता है वहां जहां शी पपीता भी होता होगा तब ही पपीता भी वहां होता है, पता नहीं क्या रब ने बना रखा है। तो ये केली के पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते ही पत्ते, पत्ते चारों ओर पत्ते फैल जाती हैं, रब ना करे उसके नजदीक कोई कीकर का वृक्ष लग जाए और दोनों में आपस में बड़ा प्यार हो जाए, दोनों में बड़ा प्यार हो जाए, अच्छा हाँ, और जब दोनों में प्यार हो तो प्यार में आलिंगन तो होता ही है, हाँ, तो अब केली रो पड़ी, तो रोई तो उसने कहा कीकर ने, रोते क्यों है, क्या मेरे प्यार में या व्यवहार में कमी, तेरे व्यवहार और प्यार में कमी तो नहीं आई, पर मैं रो रही हूं कि तेरे साथ दोस्ती नहीं लगानी थी, प्यार नहीं करना था,
अगर मैं प्यार करूं तो मेरा सीना फटता है, अगर तू प्यार करे तो मेरा सीना फटता है। मैंने तो किसके साथ, मैंने यार बनाया तो किसको बनाया, मैंने अपना फ्रेंड बनाया, अगर मैं लिपटू तेरे साथ तो मेरा सीना फटता है, और अगर तू प्यार करे तो तेरे कांटे मेरे में चुभते गए। हाय 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 हाय, ये संसारी आदमी से व्यवहार रब आपका कम कर दे, परमात्मा आपका व्यवहार कम करे। दोनों हालतों में घाटा है, दोनों में। चलो रामायण में, रामायण शुरू कर रही है गोसाई जी, तो वो क्या कहते हैं, हे परमात्मा रामायण दुष्टों से दूर रखना, आपका चित्त दुष्टों के नजदीक ना आए, और जो रामायण को सुने दुष्ट भी उनसे दूर रहे। तो गोसाई जी खुद इसमें कहते हैं कि मेरे से पूछा जाएगा क्यों दुष्टों को से क्यों दूर रखें, कि दुष्ट तो कोला होते हैं, कोला सुनो तो, अगर आपने पढ़ा होगा शायद नोट ही नहीं किया, दुष्ट तो कोले समान होते हैं, अगर काले होंगे कोले तो कालक पहुंचाएंगे, और अगर कहीं अंगारे बन गए क्रोध आ गया तो साड़ेंगे। कोले में दो अवगुण है, ठंडे हैं तो कालक पहुंचाएंगे। देखो महापुरुष जाते कहां है, हमारी बुद्धि इतना काम करती है, अगर कोला ठंडा रहे तो कालक देगा हमें, अगर आपने कोले के साथ प्यार किया तो मुंह भी काला, हाथ भी काले, सारे अंग भी काले, और अगर कहीं क्रोध भी आ गया कोला तो साड़ेगा। कोला जब क्रोध में आया तो अंगारा बन जाता है, तो साड़ेगा घर को, इसलिए रब ऐसों से दूर रखे। इसी को सूरदास ने कहा, छोड़ मारा हरि भी मुखन को संग, जाके संग कुमति उपजत गए पड़त भजन में भंग। हे मेरे मनुआ, उन भगवान से जो नास्तिक है उनसे हट जा परे, वरना वो तेरी बुद्धि को खराब कर देंगे। भगवान करे आपका व्यवहार संसार के साथ कम हो जाए, और भी कम, और भी कम, भगवान करेगा जरूर। अब क्षमा के बारे में तो आपने सुन लिया, क्षमा कहते किसी ने, बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा आपको, ऐसी छोटी मोटी बात को क्षमा नहीं बोलते, पूरी समर्थता आप में हो, पूरी क्षमता और कैपेसिटी आप में हो बदला लेने की, और फिर आप ना लें, देवी है देवी, जैसे सीता जी देवता है आप, नॉट एन ऑर्डिनरी मैन, बेट एक्स्ट्रॉर्डिनरी मैन इन गुड सेंस। ऐसे कोई कोई इस जहान में कल युग में होंगे, नाश तो नहीं हो सकता, आप जैसे जरूर होंगे, ताकत भी है, लेकिन बदला नहीं लेना। क्यों नहीं लेना आप मुझसे पूछेंगे, या कोई तेरे पास ताकत है उसने तुझे गाली दी है तो जवाब क्यों देता, क्यों हिजड़ा बनता है, कोई आपको हिजड़ा कहेगा, कोई आपको नारी कहेगा, वह चूड़ियां पा के बैठ जाए अपनी मां के पास, ये ताना मारेगा आपको उकसाने के लिए, फिर क्या जवाब दोगे, बाबा ऐसे अगर किसी ने कुछ मुझे ताना मारा तो क्या जवाब दोगे, अगर मैं जहान का प्यारा होता तो जो आप कह रहे ठीक है, अब मैंने अपना जन्म सफल करना है, भगवान के आगे मैंने शीश झुका दिया है, और मेरे प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, तू बर्दाश्त कर, तेरा बदला मैं लूंगा, तू अपना बदला न ले। हम भक्तन के भक्त हमारे सुन अर्जन प्रतिज्ञा मोरी, ये वचन तरत न तारे। अब तू ना बदला लेना चाहिए, तूने अपने आप को सौंप दिया तो कोई बात नहीं। पति देव घर में आए, आए शाम को, आते ही कुछ क्रोध में बोले, अरे बोल, अरे शीला इधर आ, कहिए मैंने सुना है कि एक व्यक्ति ने तुझे गाली दी है और कुछ व्यंग कसा है, किसने कहा आपको, गली में से गुजरा और राम दिवाया कह रहा था, मैं तो नहीं बताना चाहती थी, दिया है, दिया आपने नहीं कहा, पर पतिदेव अपनी बेइज्जती समझ रहेंगे, भगत ने कुछ नहीं कहा गाली देने वाले को, पर भगवान का तख्त हिल गया। इसलिए कहा जाता है भगवान के प्यारे को, ये गरीब को ना सिता, गरीब रो देगा, सुनेगा खुदा उसका तो जड़ से भी खो देगा। किसी भगत के साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, उखड़ जाते हैं, बुरी तरह उखड़ जाते हैं, वो तो सह जाएगा, भक्तानी सह जाएगा, कुछ सही रूप में जो भगवान की देवी है, नहीं छेड़ना चाहिए, कुछ भी कहना चाहिए, कोई व्यंग नहीं कसना चाहिए, नहीं तो ऊपर है वो। बड़े बुरा जवाब आता है, बड़ा बुरा जवाब आता है, आप तो बदला नहीं लेंगे, बिल्कुल सत्य है, आप तो नहीं लेंगे, पर महाराज जी नाराज हो जाते हैं। भगवान अगर आप जीवनियां पढ़े, भक्तों ने बदला नहीं लिया, हाँ भगवंत ने ले लिया, इस पर बड़े प्रश्न उठते हैं, फिर कभी जवाब देता रहूंगा, भगत ने बदला नहीं लिया, भगवंत ने लिया। इधर वेश्या का महल, इधर कबीर जी की झोपड़ी, मैंने कई बार सुनाया, वो भी उसके भी गाहक रात को आती हैं, उसके भी यार रात को कबीर जी के दुकानदार आती हैं,
इधर कीर्तन होता है, इधर नाचो गाना होता है, हैशावा इधर जमीन पर हो रहा है, उधर दो मंजिल पे हो रहा है। तो जब वो कीर्तन करते, हाँ उसकी जोर की ध्वनि जाती तो वो बेसुर ताल हो जाती, ताल के साथ नाच न सकती, गा न सकती। तो कुछ उनके यारों को बड़ा महसूस होता, पूछती तो कैसे पैर रख रही है, मैं क्या करूं, उधर की ध्वनि इतनी जोर की आती है तो मेरा सीना कांप जाता है। अच्छा, तो दो तीन यार उसके उठे और साड़ा है उसकी झोपड़ी, ना होगा बांस ना बजेगी बंसरिया, ना ये झोपड़ी रहेगी तो ठीक है, बड़ी अच्छी बात। कबीर जी खुश हो गए, परे कहीं दूर होकर अपने कीर्तन करने लग गए। सवेरे कीर्तन करते करते इनके महल से नजदीक पहुंचे तो महल को आग लग गई। इनकी जीवनी में आता है, मैंने आपको सुना है, सुन लीजिए। लगी आग तो वो तो बड़ी तेजी से जिस हाल में थी भाग के नीचे आ गई, राम चरणों में, मुझे माफ करो, मुझे क्षमा करो, क्षमा क्षमस्व क्षमस्वभाव क्षमस्वभाव, मुझे क्षमा कर दो, मुझे देवी मेरी बेटी, मैंने पहली बार आपको देखा है, कभी मेरे साथ व्यवहार नहीं किया तूने, क्षमा की बात कह नहीं, मैंने कसूर किया, आपने कोई कसूर नहीं किया, मैंने कभी देखा नहीं, आपने कभी मुझे देखा नहीं, पहली बार आपने और मुझे देखा और मैंने भी आपको पहले, फिर क्षमा का सवाल उठता नहीं। आप वहां रहते हैं ना, कीर्तन करते हैं रोज, मैं इधर रहती हूँ, ये महल मेरा है। अच्छा, तो मैं वेशियों गंदी हूँ, लोगों के गंद को लेती हूँ। अच्छा, आप लोगों के पापों को लेती हैं, हाय मैं लोगों के मल को लेती हूँ, आप लोगों के पापों को खत्म कर रही हैं, आप और मेरे में बड़ा अंतर है। तो आपकी वो झोपड़ी सड़ गई थी ना, मेरे यार यहां से उठे जब आप कीर्तन कर रहे थे तो मैं ठीक नहीं नाच सकी, हाँ तो आपसे वो रात को साड़ आए थे, तो कोई बात नहीं हम प्रयोग कीर्तन कर लिया, लेकिन इधर मेरा मैल सड़ गया है, आदले का बदला हो गया। तो फिर क्या हो गया, जवाब देखिए कबीर जी का, फिर क्या हो गया, तेरे यारों ने मेरी झोपड़ी साड़ी तो मेरे यार ने तेरा महल साड़िया, ये यारों यारों की लड़ाई तो तेरी मेरी सफाई, ये तो यार यार लड़ रहे हैं, तेरे यारों ने झोपड़ी साड़ी, मेरे यार ने तेरा महल साड़ा, ये दोनों यारों को ले दे, मैं तेरा धर्म पिता तू मेरी धर्म बेटी, कितना प्रभाव पड़ा, सब चीजें दे दी गरीबों को, सबसे पहली शिष्या यही बनी। बड़ा जोरदार कबीर जी का प्रचार हुआ इस द्वारा, ये यारों यारों की लड़ाई है, तेरी मेरी सफाई है, तेरे यार ने मेरी झोपड़ी साड़ दी, मेरे यार ने तेरा महल साड़ दिया, लड़ने दी यारों को। तो भक्त को नहीं दुखाना चाहिए, भगत की आ नहीं लेनी चाहिए, भगवान बड़ा बुरा बदला लेते हैं, भले वो क्षमा कर देगा, वो तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन उसके बैकग्राउंड में कौन है, उसके बैकग्राउंड में कुछ और है। कहा जाता है जब कभी शादी होती है आपके, तो वो आके बिजली के तारे फैला देते हैं, वैसे फैलानी नहीं चाहिए, बड़ी दुर्घटना हुई है, बांस लगा के उसके ऊपर लंबा लंबा लगा देना चाहिए, ना कि जमीन के ऊपर फटाफट फटाफट रुपया लेने के लिए वो टाइम बचा लेते अपना। तो कहते बिजली की तार है, चाहे करंट ना भी आए तो भी पैर न रखो, बिजली की तार है, करंट ना भी हो तो भी पैर न रखो, बच्चों को परे कर दो, बिजली की तार है ना, कोई पानी की तार नहीं, बिजली की तार है। तो रब क्या होता है, रब दे भगत क्या होते हैं, रब दी शक्ति होती है, अरे उनको ना छेड़ो, अगर शक्ति को उल्ट पुलट हो गई तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, जरा भी कुछ काम बिगड़ गया तो खराब। लेकिन भक्त मजाती खुद क्या होती है, क्षमाशील, बिल्कुल ही क्षमा करने वाले। एक बाबा जी के बारे में पढ़ा, ऋषिकेश की घटना है, वो अभी ताजा ताजा नाई से सिर मुंडा करके, यानी टेंड करवा करके परले पार जा रहे थे, इधर ऋषिकेश से परले पार बीच में गंगा है, तो नाव जब बीच में पहुंची उसमें कुछ मंचले भी बैठे हुए थे, एक मंचले ने डोडा मारा मेरे बाबा जी के सिर के अंदर, रुंडे हुए डेढ़ सिर में डोडा मार दिया, दूसरे ने दो डोडे मारे, एक ने कहा भी इतनी आवाज नहीं आती जितनी कि उसने अपनी जुत्ती ली और दे मारी सिर में, अब आवाज आई ना, हां इतने में आकाशवाणी हुई, मेरे प्यारे दबो दू इस बेड़े को, उल्टा दू इस बेड़े को बिल्कुल। मल्ला ने, नावक ने सुना, थर थर कांप गए सारे, ये क्या, बस ऊपर देखो, उठा दू इस बेड़े को, शायद किसी देवता की आवाज थी, अब हमसे सहनना होगा। भगत जी खड़े हो गए और दोनों हाथ जोड़ के कहने लगे, ऐ देव पुरुष, अगर आप में मेरे भगवान ने इनके बेड़े को उल्टाने की शक्ति दी है तो क्यों नहीं इन शैतानों की बुद्धि को ही उल्टा देते,
इनकी बुद्धि को उल्टा दो। ओ क्षमा करने वालों, आपके चरणों में बार बार प्रणाम। अगर इतनी शक्ति है कि बेड़े को उल्टा सकती हो तो इनकी बुद्धि को ठीक कर दो। इनकी बुद्धि को, इंसान तो गंदा नहीं है, अंग तो गंदे नहीं, शरीर तो गंदा नहीं, अंदर वाला गंदा है ना मन बुद्धि, इसी को पवित्र हमें यहां आते हैं तो उसी को ठीक, शरीर को थोड़ा ठीक करने आ रहे हैं, अंदर वाले शैतान को ठीक करने आ रहे हैं। तो महाराज अगर आप पे शक्ति है, अच्छा जैसे तुम चाहते हो मैं इनको अपना प्यारा बना लेता हूं। भगवान क्या कह रही गए, मेरे प्यारे क्षमाशील होती है। जहां ने तो अपने रजोगुण के कारण से कुछ ना कुछ पंगा लेना, कुछ ना कुछ शरारत करनी, खाम खा इशरात करेंगे, खाम खा आप कुछ भी ना कहें तो बाजार वाले कोई ना कोई बक बक करेंगे, उनका उनका मिजाज ही ऐसा है। लेकर भगवान के प्यारे क्षमा कर, वो तो रजोगुणी, उनके हरेक के दृष्टिकोण अपना अलग अलग है। तुम ना भी करो, कसूर ना भी करो, कईयों के बारे में तो खुदा दाद का वैर होता है, वो जन्म से वैर लेके आए, आपने कुछ कसूर नहीं किया ना सही, पर उन्होंने कुछ करना है, उन्होंने कुछ जरूर करना है। जहान रजोगुण का बात ये छेड़ाछाड़ी करते रहना, तमोगुण का काम यही है कुछ न कुछ पंगे लेके कचहरियों तक नौबत लाते रहना, सतोगुण का काम है अपने आप को सहते रहना, सहते रहना, सहते रहना। रामचंद्र परमंश इसी के विषय में विवेकानंद के टोलो ने, जो बड़े यंग थे और इनकलाबी थे, पूछा आपको इसमें क्या महत्व है। अब हम बाहर जाते हैं तो बड़ी गंदी गंदी बातें लोग कहते हैं, कमा नहीं सकते होंगे, बस परमंश से चेले बने फिर दिन और गंदे गंदे ताने बिचारों को मारते हैं, अब हम क्या करें बाबा क्या करें। वो तो कहते ठीक है, मुझे हिंदी का उपदेशमाला ले आओ। बाबा हम तो कुछ और प्रश्न कर रहे हैं, आप उपदेशमाला ले रही हैं, सुनियो तो हिंदी का काका उपदेशमाला, वरन जिसने सारे काका गागा कौर च्वर च्वर लिखी होती हैं वो ले आए, वर्णमाला ले आए बेटे, उपदेशमाला ले आए, या अपन क्या बोलती हैं वो ले आए, कैदा ले आए, रख दिया आगे। अच्छा 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 अच्छा, इसमें देखो सा कितनी है, सा बाबा तीन सा है, एक सा सीधा देखो शेर लिखना हो शेर, हाँ एक शेर लिखना हो शाह इक्की तरह बन जाता है, एक शाह जो मूर्धन्य शाह पेट फटा होता है, तीन है ना, शाह शाह स तीन सा है ना। तो ये मेरी गुरु है, तुम्हारे सवाल का जवाब देती है। क्या कि दुनिया वाले कुछ कहे, प्रकृति कुछ भी कहे, देव देवता भी कुछ भी कहे, तो ये सा 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 क्या कहती है, क्या कहती है, क्या कहती है, सहन करो सहन करो सहन करो, तुम सहन करो बाबा जो आ गया हम सहन करेंगे, आगे शक्ति आपने देनी है, हम सा 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 सहन करो सहन करो सहन करो, हम प्रकृति का भी सहन करेंगे, जहान का भी सहन करेंगे, और कोई ताकत होगी तो उसका भी सहन करेंगे, शक्ति आप देंगे। तो शक्ति भगवान देंगे आपको, अगर पूर्वपीन भगवान के मार्ग पे बढ़ के आप अपना कल्याण करना चाहते हैं तो यही जवाब कृष्ण का आ रहा है कि मेरे प्यारे सहनशील होते, वो ईंट का जवाब पत्थर से नहीं देते, आगे जाने का मेरा मन कमजोर है और कमजोर मेरा मन अब गिरने वाला है, तो मांगो आपने अंतर्यामी से ताकत, मेरे प्रभु आपने कहा है कि मेरे प्यारे सहनशील होते हैं, परंतु मेरा मन नहीं सहन कर रहा, मुझे ताकत दे के उठा लो, मुझे बचा लेना प्रभु, मैं गिरना चाहता हूं, मुझे उठा लो। भगवान उसी वक्त आपको शक्ति देंगे जब आप पुकारेंगे तो। ये नहीं कि सिर्फ अपने द्रौपदी की लाज रखी भगवान ने साड़ी दे करके कपड़ा दे करके, नहीं, हम भी अगर दिल से कहेंगे प्रभु मुझे बचाओ तो फौरन बचाते हो, फौरन। हमने सहनशीला बनना है, सहनशीलता से कहा, गर्मी भी आती है तो सहनशील बन जाओ, कोई उल्टी पुल्टी बातें करता है, कोई प्रकृति को भी सहना गए, घर वालों को भी सहना गए और समाज का भी सहना, सहन करने वाला ले गया बाजी। लेकिन ये आप समाज सारा नहीं कर सकता, ऐसा हिंदू धर्म एक के लिए होता है, आपके लिए कह रहा है कि आपने सहन करना है, बस बात बहुत बढ़ जाएगी, फिर जाप करने की बजाय बदला लेने की स्कीमें चलेंगी, जो हम जाप कर रहे थे अगर हम बदला लेने लगे तो बदला लेने में स्कीमें बनेंगी, टाइम लगेगा, नौबत बढ़ जाएगी, शायद पति उसका सिर फोड़ दे, फिर अस्पतालों में जाना पड़े, कचहरी में जाना पड़े, राम राम तो बंद हो गया, हरे कृष्ण की ध्वनि तो लगनी जो बंद होगी, जाप तो बंद हो गया, बदला लेने के ही प्लान बन जाएंगे। इसलिए निप दी वाल इन दी बोर्ड, वही की वही बात खत्म, क्या नहीं मैंने मैंने अपना जाप खत्म नहीं करना, मैंने अपने मन का तवाजन बड़ी मुश्किल से बना
बनाया गए, ये नहीं तबाह करना। मन का तवाज़ुन भी एक दौलत है, अखीर में कह के खामोशी ले रहा हूं, मन का तवाज़ुन भी एक दौलत है जो दुनिया की दौलत से खरीदा नहीं जा सकता। हाय हाय, ले लो जी, मेरे गुरुदेव जी ने कहा था, मन का तवाज़ुन, मन की शांति भी एक दौलत है जो संसार की दौलत से नहीं खरीदी जा सकती, वो भगवान की श्रद्धा से खरीदी जा सकती है। क्यों गवाती हो छोटी छोटी बातों के लिए? ये फिर एक बार आपने मन का तवाज़ुन गवा दिया, पता नहीं कितने घंटे कितने दिन लग जाएंगे, कितने घंटे कितने दिन लग जाएंगे। तवाज़ुन बिगाड़ लेना तो आसान है, ए भोली भाली, हाँ बाबा, और तवाज़ुन को फिर दोबारा उसी अवस्था में ले आना बड़ा मुश्किल है। इसलिए सहन करो, सहन करो, व्यवहार कम करो, बोल चाल कम करो, एकांत में बैठने का स्वभाव ज्यादा बनाओ। लोकांत कम, एकांत ज्यादा, लोकांत कम, लोकांत कम, एकांत ज्यादा। परमात्मा आपको तौफीक दे, मेरे मालिक आपको शक्ति दे, सहनशील बन सके। जो प्रभु पाठ पढ़ा रहे हैं वही जिम्मेवार है, श्रोता वक्ता दोनों ही सहनशील बनेंगे। परमात्मा तथास्तु कहे और हम सब के सब सहनशील दिन प्रतिदिन बनते जाएं, इस गुण को लेकर जिसमें ये गुण होता था भगवान मुस्कुरा देते हैं, भगवान बड़े खुश होती है आपकी सहनशीलता को देखकर। जब कोई ऊंचडांग बात कहे और आपका जो सहन भगवान है का आपके अंदर में तो है, भगवान आपके कानों द्वारा सुन रहे हैं, आंखों द्वारा नूर किसका, भगवान का, बड़े खुश हो जाएंगे। आपने कोई जवाब नहीं दिया, उल्टा दुआएं दे दी, कोई बात नहीं। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। भला करने वाले भलाई किए जा, बुराई के बदले दुआएं दिए जा। आप कर सकती हैं क्योंकि भगवान आपको ताकत दे रही है, जहां नहीं कर सकता, सोसाइटी एज ए होल नहीं कर सकती, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल कर सकता। मेरी देवी व्यक्तिगत रूप में इसे अपना पाएगी। प्रभु पर रखो भरोसा, वो दे रहे हैं शक्ति, हमेशा देते रहेंगे। इस गुण में भी हम जरूर कामयाब होंगे, होंगे निस्संदेह होंगे। हार्दिक धन्यवाद, हार्दिक आशीर्वाद।